9 सेकंड न्यूज में रुख करते हैं दिल्ली में जल संकट पर मचे सियासी बवाल से जुड़ी बड़ी खबरों। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनशन चौथे दिन भी जारी। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली को पानी न देने का लगाया आरोप। कहा हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सभी फाटक बंद कर दिए गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के अनशन को नाटक करार दिया। कहा अनशन का दिखावा कर इसी कमरे में करती है आराम। 15 दिन के लिए हमें जल मंत्रालय दे तो हम बुझा देंगे दिल्ली की प्यास। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आप प्रतिनिधिमंडल को दिया पानी की समस्या के समाधान का आश्वासन। आपने कहा 1994 से अब तक 3 गुना हो चुकी है दिल्ली की आबादी, पानी की सप्लाई आज भी उतनी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में दिया था फैसला, उसके मुताबिक हरियाणा को नहीं मिल रहा उसके हक का पानी। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति की बड़ी खबरों। उदयपुर में विशिष्ट जन सम्मान समारोह में एक मंच पर दिखे गुलाब चंद और वसुंधरा। पूर्व सीएम ने कहा वफा का वो दौर अलग था, आज लोग उसी की उंगली काटते हैं जिसे कभी पकड़कर चलना सीखा था। आज झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी करेंगे मंथन। आने वाली विधानसभा चुनाव की बनाएंगे रणनीति। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा। मंत्री नारा लोकेश का पूर्व YSRCP सरकार पर आरोप। कहा पार्टी कार्यालय बनाने के लिए 26 जिलों की 42 एकड़ भूमि को 33 साल के लिए महज 1,000 रुपए के मामूली पट्टे पर आवंटित किया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे MNS प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सुबह 10 बजे MIG क्लब में होगी बैठक। 1960 की जल सिंधु को लेकर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जम्मू। अगले कुछ दिनों में विभिन्न बांध स्थलों का दौरा करेगा पाक डेलीगेशन। माफिया अतीक के भाई की फरार पत्नी जैनब फातिमा के 5 करोड़ के आलिशान मकान पर आज फिर होगा बुलडोजर एक्शन। वक्फ बोर्ड की जमीन पर किया था अवैध कब्जा। 2023 में गैंगस्टर एक्ट में हुई थी कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज में आज DKU अपनी 26 सूत्री मांगों को लेकर करेगा जल सत्याग्रह। यमुना नदी के पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे किसान। BSP सुप्रीमो मायावती ने की चुनाव में हार की समीक्षा। कहा विपक्ष ने संविधान बदलने की बात कहकर दलित और पिछड़े समाज को भ्रमित किया जिसमें BSP को चुनाव में नुकसान हुआ। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार किसी भी वक्त अस्थिर हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरे देश में BSP के जनाधार बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर जुटने की अपील। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने BSP के आकाश आनंद को दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के फैसले का किया स्वागत। कहा बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर उनके मिशन को पूरा करें। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में BJP का सूपड़ा साफ होगा। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तमिलनाडु जहरीली शराब त्रासदी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 200 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं, 56 लोगों की मौत हो गई लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। MNM पार्टी प्रमुख कमल हसन ने जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से की मुलाकात। कहा भविष्य में हमें इन लोगों को जागरूक करना होगा कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मेरठ पहुंचे अरुण गोविल ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुष्प वर्षा की। अरुण गोविल बोले कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जीते हैं चुनाव। अरुण गोविल ने कहा आने वाले समय में मेरठ के विकास के लिए करने हैं काफी काम, अभी प्राथमिकता में नहीं गिनाया कोई भी काम। बोले शहर के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो काम करेंगे। 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट के आने वाले फैसले से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। रिहाई पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आज याचिका को मेंशन कर जल्द सुनवाई की कर सकते हैं मांग। दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने DDA के उपाध्यक्ष को जारी किया था अवमानना का नोटिस। आज खत्म हो रही है प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत। प्रज्वल रेवन्ना को विशेष कोर्ट में किया जाएगा पेश। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे रेवन्ना। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं। पुणे में बार के अंदर ड्रग्स लेने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। पुलिस के 2 बीट मार्शल निलंबित। लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। नामी होटल में चल रहा था नशे का कारोबार। पुणे के होटल में ड्रग्स परोसे जाने पर शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। कहा कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं, सरकार पूरी तरह से उदासीन हो गई। बिहार के नालंदा में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी। पुलिस ने एक मुंडा भाई समेत 16 लोगों को किया गिरफ्तार। एक परीक्षा केंद्र पर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे छात्र।
नकल करवाते समय पकड़े गए 15 नकलची। आगरा के दौला थाना प्रभारी पर ट्रेनी महिला दरोगा ने लगाया आरोप। दरोगा पर अश्लील कमेंट करने का आरोप। विरोध करने पर देते हैं धमकी। आगरा पुलिस कमिश्नर से शिकायत। एसीपी को सौंपी गई जांच। मेरठ में सैलून में युवक की हत्या का मामला। आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी को लगी पुलिस की गोली। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की टीम। भी आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को प्रयागराज से किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।